नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, मैं हूं आपके साथ जो इसमें बात करेंगे खबरों की। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद गाह का मामला, मामले में आज हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। तो आज हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद गाह का मामला है जिसको लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से मामले में आज सुनवाई होगी। 18 मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। बड़ी जानकारी सामने आ रही, दोपहर 2 बजे से मामले में आज सुनवाई होगी। 18 मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद गाह का मामला है जिसको लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद गाह का मामला है जिसको लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। तो मामले में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होने जा रही है। 18 मामलों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद गाह का मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, कब से मामले की सुनवाई जो है वो शुरू होने जा रही है? आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले की जो 18 मुकदमे जो है विचाराधीन है हाई कोर्ट में, जो जस्टिस मयंक जैन की जो अदालत जिस पर सुनवाई कर रही है, यानी सिंगल बेंच की सुनवाई चल रही है उस पर, और इस पर लगातार जो है बहस जारी है। और इसमें जो है सबसे पहले 7 रूल 11 पे जो है बहस चल रही है कि 7 जो बातों की पूछनता है उस पूछनता के आधार पर जो है बात चलने लायक है, मुकदमे चलने लायक है या नहीं है। इसको लेकर जो है दोनों पक्ष जो है वादी और प्रतिवादी गण, दोनों लोग जो है ईदगाह कमेटी के लोग, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह, आशुतोष पांडे, दिनेश शर्मा, ये सारे लोग जो है आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि आज जो है की तारीख नियत थी और उसमें आज जो है 18 मुकदमों में इसमें सुनवाई होनी है और ये 2 बजे से सुनवाई चलेगी इस पे। और उसके बाद देखते हैं कि ये सुनवाई जो है, क्योंकि पिछली तारीखों पे भी लगातार सुनवाई चली थी लेकिन वो सुनवाई जो है लंबी होने की वजह से अदालत द्वारा जो है फिर दूसरी तारीख 13 मार्च की दे दी गई थी। और एक और याचिका जो है डाली गई है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के सीढ़ियों के नजदीक जो कृष्ण कूप है, यानी एक कुआं है जो होली के बाद बासोड़ा जब होता है तो बासोड़ा की पूजा होती है, तमाम महिलाएं जो है पूजा करने जाती हैं, उसको लेकर भी एक याचिका डाली गई है कि बासोड़ा पर जो है कृष्ण कूप पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। हाई कोर्ट से में ये एक प्रार्थना पत्र जो है हिंदू पक्षकारों द्वारा दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो पक्षकार हैं उन्होंने एक प्रार्थना पत्र लेकर उसकी भी आज ही सुनवाई होनी है। फारूक, जो प्रार्थना पत्र दिया गया हिंदू पक्ष की ओर से, उसमें क्या कहा गया है हिंदू पक्ष की ओर से? श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार जो ही उसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कृष्ण कूप है यहाँ पर और पिछले साल भी हमने पूजा यहाँ पर करी थी और उसमें भी काफी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तब जाके पूजा हो पाई थी, क्योंकि होली के बाद जो बासोड़ा होता है, बासोड़ा की पूजा होती है, उसकी पर जो है पूजा होनी है, उसके लिए हाई कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र जो डाला गया है। और उस प्रार्थना पत्र में साफ तौर पर उनका कहना है कि बासोड़ा पर जो है महिलाएं पूजा करती हैं, उसको कुएं पर पूजा होगी, तो उसके लिए जो है हाईकोर्ट निर्देशित करे जिला प्रशासन को, भारी सुरक्षा बल के साथ में निर्देशित करे, सुरक्षा व्यवस्था भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए वहाँ पर, जिससे कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। साफ तौर पर जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह, आशुतोष पांडे और दिनेश शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो है पूजा की हाईकोर्ट द्वारा अनुमति मिलनी चाहिए और हमें जो है यहाँ पर जो है एक कृष्ण कूप है ये, इस पे हमें पूजा की अनुमति और वो भी भारी पुलिस बल के साथ हमें अनुमति मिलनी चाहिए। जी, और ये पूजा की अनुमति मांग रहे हैं तो पिछले काफी समय से जो इसको लेकर विवाद चलता आ रहा है, लेकिन हाई कोर्ट की ओर से जो है इसको लेकर कोई डिसीजन नहीं मिल पा रहा है, क्या इसको प्रार्थना पत्र को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कुछ कहा है? जी, अभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है कोई बयान नहीं आया जुड़ी, लेकिन अभी आज इसकी तारीख है, जो प्रार्थना पत्र डाला गया है हाईकोर्ट में उसको लेकर आज उस पर जो है सुनवाई होनी है
आज उस पर सुनवाई क्या होती है या हाईकोर्ट पर निर्णय, उनका डिसीजन जो आएगा वो डिपेंड करता है। और दूसरी तरफ जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी नई परंपरा करने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई भी अफवाह फैलाता है या किसी भी भ्रम की स्थिति फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि हाईकोर्ट का अगर आदेश करता है तो उसके बाद ही देखने को मिलेगा कि क्या हाईकोर्ट का आदेश आता है इस पर जो है, और बासोड़ा वाले दिन पूजा की अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। जी जुई जी, और शोएब रिजवी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, आज जो है मामले को लेकर प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, क्या अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आफ्टर लंच इस मामले में सुनवाई होगी, 2 बजे के आसपास इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। उसके बाद जो पिछली सुनवाई थी उसमें मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा था, और आज भी उम्मीद है कि वो सुनवाई कंटिन्यू जब होगी तो उस पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। मुस्लिम पक्ष अपने तमाम दलीलें पेश करेगा, उसके बाद हो सकता है उसके जवाब में जो हिंदू पक्ष है वो अपनी बातें रखे, उसके बाद ही आगे क्या कुछ कोर्ट निर्णय करता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये स्थितियां हैं अभी फिलहाल, चूंकि पिछली जो तारीखों पर इस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी, इस तारीख पर फिर एक बार यानी आज 2 बजे के आसपास इस मामले में सुनवाई शुरू होगी, और सुनवाई शुरू होने पर जो मुस्लिम पक्ष है उनके जो वकील हैं वो अपनी बातों को रखेंगे। पिछली तारीखों पर भी उनकी जो दलीलें थी या उनके जो इस पूरे मामले में अपनी बात थी उन्होंने रखी थी, इस बार यानी आज फिर वो अपनी बात कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हो सकता है हिंदू पक्ष के वकील अपनी बात को रखें। उसके बाद जी शोएब, जैसा कि अभी आपने सुना फारूक ने बताया कि हिंदू पक्ष की ओर से जो है प्रार्थना पत्र दिया गया, क्या इसको लेकर जो है मुस्लिम पक्ष आज अपनी तरफ से कोई दलीलें देंगी? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि इसमें कई याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई हो रही है, अलग अलग बिंदुओं पर सुनवाई हो रही है, क्योंकि एक साथ ही सुनवाई हो रही है। तो अब आज जिस मामले में प्रार्थना पत्र दिया गया है फिलहाल कोर्ट पहले उसको सुनता है, या जो अभी जिस मामले में सुनवाई चल रही है, क्योंकि इसमें अलग अलग बिंदुओं पर सुनवाई हो रही है, तो ये जरूर है कि साथ में ही कोर्ट इन तमाम बिंदुओं को सुन रहा है, और जो भी चीजें सामने आ रही हैं उसमें दोनों पक्ष अपने अपने दलीलें दे रहा है, और उसके अगर उन्हें लगता है तो समय भी मांग रहा है। इसीलिए इस मामले में अभी तक 3 से ज्यादा कार्य दिवस पर सुनवाई हो चुकी है, आज 4th दिन होगा इस मामले की सुनवाई को लेकर के, कह सकते हैं तारीख के हिसाब से तो आज 2 बजे जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, और जो नई पूजा करने की अनुमति मांगने की एक तरह से एप्लीकेशन या याचिका है उस पर भी कोर्ट में जो चीजें संज्ञान में आएंगी, उसके बाद इस पर दोनों पक्षों का क्या रुख होगा, दोनों की क्या दलील होगी, ये देखना होगा। ये सुनने के बाद कोर्ट क्या कुछ रुख अख्तियार करता है ये फिलहाल सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। जी फारूक, बताया जा रहा है कि 18 मामले को लेकर याचिका पर सुनवाई होगी, कौन कौन से वो मामले हैं जो याचिका है जिनको लेकर आज सुनवाई हो सकती है? जी जूही, आपको बताते हैं कि ये 18 मुकदमे जो है मथुरा में सब चल रहे थे, सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में, सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में, लेकिन हिंदू पक्ष ये चाहता था कि ये मुकदमे जो है तेज गति से चलें, क्योंकि जिला न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे थे उनकी जो है गति काफी धीमी थी, और जो श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं उन्होंने एक याचिका दायर करी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में के सारे मुकदमे जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं, जिससे तेज गति से यानी जल्दी उस पर सुनवाई हो सके जो है, और इस केस का जो है यानी इस मैटर का निपटारा भी जल्द हो सके। तो इसलिए जो है हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूर करते हुए सारे मुकदमे मथुरा से जो 18 मुकदमे वो सब ट्रांसफर कर लिए थे अपने यहाँ, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनकी लगातार जब से सुनवाई चल रही है और तमाम तरीके के उसमें मुकदमे हैं, पूजा की अनुमति, 13.37 एकड़ जो भूमि है उसको लेकर मुकदमा है, कटरा केशव देव को लेकर है, क्योंकि एक कटरा केशव देव और मुस्लिम पक्ष की ओर से जो 1991 में एक समझौता हुआ था उस समझौते को लेकर एक केस है जो है, एक बात है वो भी हाईकोर्ट में ही है, यानी कुल मिला के 18 मुकदमे जो है हाईकोर्ट इलाहाबाद में चल रहे हैं, और सभी जो है श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले से जुड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि ये 18 जो मुकदमे चल रहे हैं इन 18 मुकदमों पे क्या संज्ञान लिया जाता है,
हाई कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देता है। अभी 7 रूल 11 पे इस पर जो है बहस चल रही है कि मुकदमों की जो है पोषणता है वो कितनी मजबूत है। अगर हम विवादित भूमि की बात करें, क्या इसको लेकर कोर्ट की ओर से किसी तरह के जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष अपनी बात पे अड़ा हुआ है और मुस्लिम पक्ष अपनी बात पे अड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो सबूत मिलेंगे उसी के आधार पर कोर्ट का फैसला आएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी फिलहाल जो सुनवाई है वो चल रही है, इसलिए इस तरह का कोई निर्णय आदेश नहीं है। फिलहाल अभी जो दोनों पक्ष हैं वो अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, हालांकि मुस्लिम पक्ष जो दलीलें पेश कर रहा है, इस तरह के जो मामले अब तक कोर्ट के संज्ञान में आए थे उसमें खासतौर से वर्शिप एक्ट जो है वो ज्यादा मुस्लिम पक्ष की तरफ से उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जबकि हिंदू पक्ष अब कहीं ना कहीं इसके खिलाफ अपनी दलीलें पेश कर रहा है। अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग बिंदुओं पर याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई हो रही है। चूंकि सारी याचिकाओं को इकट्ठा करके इस पर जल्दी निर्णय है, इसको लेकर के हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई की जा रही है, अलग अलग तारीखों पर सुनवाई चल रही है। तो फिलहाल अभी जो इस पूरे मामले में सुनवाई की स्टेज है और जो अलग अलग बिंदु हैं उस पर कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है उसका फिलहाल जब तक इस पर कोई आदेश नहीं आ जाता कहना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू पक्ष एक तरह से कह सकते हैं कि वो तमाम बिंदुओं को चिन्हित कर चुका है और वो उन्हीं के आधार पर कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के बचाव में अपनी तमाम दलीलें फिलहाल पेश कर रहा है, लेकिन जिस तरह की चीजें पिछले इस तरह के मामलों में सामने आए थे और कोर्ट में जिस तरह का निर्णय है, तो इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष सीधे तौर पर इस पूरी जो याचिका है इसकी पोस्टलता पर ही सवाल उठा रहा है, उसको चुनौती दे रहा है, और इसीलिए इस पर ज्यादा लंबी बहस चल रही है और आज भी इसी मामले जी। शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं लखनऊ से खबर सामने आ रही, चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले तैयारी में जुटे सीएम। सीएम योगी की रैलियों का कार्यक्रम हुआ तय, चुनाव के ऐलान के पहले सीएम आज से शुरू करेंगे रैलियां। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, सीएम योगी की रैलियों का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड की जा रही थी और अब जो है सीएम योगी की रैलियों का कार्यक्रम तय हो चुका है। सीएम के ऐलान के पहले, चुनाव के ऐलान के पहले सीएम आज से शुरू करेंगे रैलियां। पहली रैली की शुरुआत आज उन्नाव से हो रही, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री आज पहली रैली की शुरुआत उन्नाव से करने जा रहे हैं। प्रतिदिन 3 जनसभाएं कराने की है योजना। पहले दिन उन्नाव, फरुखाबाद, बरेली में सीएम करेंगे जनसभाएं। कल अम्बेडकर नगर अयोध्या में भी रैली प्रस्तावित है। 15 को बलरामपुर सिद्धार्थ नगर में रैली की बन रही योजना। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं और चुनाव की तारीख के ऐलान के पहले चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अपनी रैलियां आज से शुरू करने जा रहे हैं, क्या जानकारी है? आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना में जितनी देरी हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब उसका फायदा उठाने के लिए फॉर्मूला बना लिया है। योगी आदित्यनाथ लगभग हर दिन तमाम जनपदों में जा रहे हैं, किसी दिन 2 जनपद में, किसी 3 जनपद में, और जितनी भी जो परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं उनका लोकार्पण कर रहे हैं और जो परियोजनाएं प्रस्तावित हैं उनका शिलान्यास कर रहे हैं, और अगर वो जनपद में जाते हैं तो वहाँ की जनता को कुछ ना कुछ उपहार दे रहे हैं। ऐसे में ही आज वह लखनऊ में जो MSME के तहत ऋण योजना है उसके तहत लाखों युवाओं को ऋण देने वाले हैं। उसके बाद वह उन्नाव जाएंगे, उन्नाव में एक शहीद की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद में वो उन्नाव के लिए 241 करोड़ की परियोजना के उपहार देंगे, जिसमें तमाम परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास होगा और कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण भी होगा। वही उन्नाव के बाद में वह फरुखाबाद जाएंगे, जहां लगभग 288 करोड़ की परियोजनाओं का वहां पे शिलान्यास और लोकार्पण होगा, और उसके बाद में वह फरुखाबाद से लगभग 3 बजे बरेली पहुंचेंगे, जहां पर लगभग 328 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया वहां पे ऐलान करेंगे। आपको बता दें, तीनों जगह पर योगी आदित्यनाथ जनता का संबोधन भी करेंगे।
जी रमन, इन सौगातों के जरिए लोकसभा चुनाव से पहले जनता को साधने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि उनकी छवि जो है लोकप्रिय नेता के रूप में, और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, उनकी यूएसपी है, उनकी ईमानदारी और सीधी जो सीधी बात करते हैं वो जनता पसंद करती है। वो चुनाव में अलग मुद्दा है, जब चुनाव आएगा तो योगी आदित्यनाथ रैलियां करेंगे, अपने वो जो दमदार भाषण देने के लिए जाने जाते हैं उससे जनता कहीं ना कहीं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। लेकिन अभी अधिसूचना से पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी जनपद में जाते हैं, किसी रैली में जाते हैं, तो वो अच्छे भाषण के साथ साथ में जनता को कुछ उपहार देने की स्थिति में भी है। वहीं अधिसूचना जारी होने के बाद में वो जितनी भी उपहार है और सरकारी ऐलान करने हैं वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अधिसूचना जारी होने में जितनी देरी हो रही है उसका उतना ही योगी आदित्यनाथ फायदा बनाने के मूड में है। रमन, सीएम योगी की बात कर ले तो हाल ही में अभी ये भी खबर आई थी कि ना केवल यूपी में बल्कि अन्य राज्यों में भी उनकी डिमांड की जा रही, उनकी रैलियां कराए जाने की डिमांड करी, यानी कि उनकी छवि जो है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बाकी जो देश के अन्य राज्य वहां भी लोग काफी पसंद करते हैं। आपको बता दें 2017 से पहले भी योगी आदित्यनाथ की छवि एक ब्रांड फायर ब्रांड प्रचारक के तौर पर थी, लेकिन 17 के बाद जो मुख्यमंत्री बने एक बड़ा चेहरा बन गए। उसके बाद में उनकी जो प्रशासन की नीति है, जिस तरीके से शासन करते हैं, वह लोगों को पूरे देश में काफी पसंद आ रहा है। और लोकसभा चुनाव ही नहीं, जो अभी लगभग 2017 के बाद में जहां भी प्रदेश में चुनाव होते हैं भाजपा उन्हें वहां पर प्रचार में लगाती है, और योगी आदित्यनाथ की मोदी और जी रमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से गणेश गोदियाल को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इसी सिलसिले में गणेश गोदियाल से बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अभय कैंतुरा ने। लोकसभा चुनाव की बेला में उत्तराखंड कांग्रेस की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके। पौड़ी लोकसभा सीट से हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज पार्टी हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव को लेकर आपको दी है, किस तरह की? ये मेरा सौभाग्य है कि सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार और गढ़वाल की महान जनता के जो विचार थे उनको दृष्टिगत रखते हुए पार्टी के हाईकमान ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं पार्टी के उस विश्वास को और जनता के उस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए, उस विश्वास को कायम रखने के लिए मैं अपने मन कर्म और वचन से हमेशा अनवरत बिल्कुल तत्परता के साथ पूरी शक्ति के साथ प्रयास करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की महान जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। सर, उत्तराखंड की 5 सीटों में से पौड़ी लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट रहती है, सबकी निगाह इस सीट पर टिकी रहती है क्योंकि 3 मुख्यमंत्री भी ये सीट दे चुकी है। इस बार आपके जो पूर्व में जो दावेदार थे वो भी छोड़ के चले गए, क्या कुछ कहिए सर? देखिए, जहाँ तक हॉट और कोल्ड की बात है, मैं नहीं समझता कि कोई हॉट और कोई कोल्ड सीट होती है। सब सीटें हॉट होती हैं, सब सीटों में लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, सभी लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, और उसके बाद जनता जिसको आशीर्वाद देती है उसको विजयी घोषित किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ तक प्रश्न है कि जो ये निश्चित रूप में ये हमारे लिए, मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा हमें मायूस करने वाली बात थी कि जिनको हमने 5 साल तक कोशिश की कि भाई ये चुनाव लड़ें, वो अंतिम समय में आज हमारे बीच हमारी पार्टी में नहीं रहे, तो थोड़ा था। लेकिन उससे हमारे कार्यकर्ताओं में और दुगुना जोश आया कि भाई ऐसे कैसे लोग मतलब अंतिम समय में पार्टी को अलविदा कह सकते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता उससे और ज़्यादा जोशीले हुए, और आप देखना उसका परिणाम अभी आपको चुनाव में नजर आए। ठीक है, सवाल पौड़ी लोकसभा सीट के लोगों से क्या कुछ कहें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ हुई लेकिन उतना जब विकास हुआ उतनी चीज़ें वहाँ नहीं हो पाई। मेरा पौड़ी लोकसभा की सम्मानित जनता से ये वादा है कि जो मैंने अभी कहा कि मन कर्म और वचन से मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। वो कोई भी ऐसा मुद्दा हो, मेरी दृष्टि में हमारे लोकसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो हमारी बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा हो, वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, ओपनल के कर्मचारियों का मुद्दा हो, या संविदा पे भोजन माताएं, महिला सशक्तिकरण के तहत सरकार की जो इस प्रकार की योजनाएं हैं कि लखपति बहनें बोलते हैं, कर्जा दे रहे हैं और बोलते हैं लखपति, लखपति बहनें नहीं बल्कि इन्होंने तो कर्जवती बहनें बना दी। तो इन सब चीज़ों को हम जनता के बीच ले जाएंगे और इनका निराकरण बताएंगे।
लोग हमें आशीर्वाद देंगे, इसका निराकरण करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम उठाना कोई बात नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में होना चाहिए और उस सॉल्यूशन के लिए जनता का आशीर्वाद मिलना बहुत आवश्यक है। सॉल्यूशन हम करेंगे। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। गणेश गुजराल जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिन पौड़ी की जो जनता है उनके उम्मीदों पर खरा उतरना काम करेंगे और पार्टी ने जो भरोसा दिखाया है उस भरोसे पे भी खरे उतरेंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।